तो अगर आप भी वेब मनी का यूज करते हैं और वेब मनी के अंदर आपका भी कुछ अमाउंट फंसा हुआ है और उस अमाउंट को आप अपने इंडिया के किसी भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप वेब मनी के पैसे को अपने इंडिया के किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको जो तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका, और ये तरीका जेन्युइन तरीका भी है। ये तरीका 100% वर्क करता है क्योंकि मैं खुद इसका जो है यूज करता हूँ और खुद मैं अपने वेब मनी के बैलेंस को जो है INR में कन्वर्ट करके अपने इंडिया के किसी भी बैंक में ले पाता हूँ। क्या तरीका है, कैसे आप सभी को जो है वेब मनी के पैसों को अपने इंडिया के किसी भी बैंक अकाउंट में निकालना है, इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। ओके यार, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ओके यार, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा AirTM का। उस लिंक पर आपको जो है क्लिक करना है। जस्ट आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना कंट्री। ओके, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर्सनल और बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप अपने खुद के लिए जो है AirTM का अकाउंट बना रहे हैं तो आपको जो है पर्सनल रखना है। अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आपको जो है बिजनेस रखना है। यहाँ पर मैं पर्सनल रखता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जस्ट आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली गूगल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक गूगल अकाउंट से ID जो है बना लेना। तो यहाँ पर आपको जो है गूगल अकाउंट जो है एक अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको जो है अपना बेसिक डिटेल्स को जो है डाल लेना है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लीजिएगा, या तो आप बिना डेस्कटॉप मोड के भी यूज इसको कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो है अपना बेसिक डिटेल्स यानी एड्रेस को फिल करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, कंट्री, सिटी, पिन कोड, पोस्टल कोड। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसमें आपको अपना पिन कोड डालना है, एरिया के पिन कोड। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालकर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वेरीफाई फोन टू कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड SMS पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर आपको अपना OTP डालना है। तो OTP हमारा आ चुका है, OTP मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल लेता हूँ। ओके, ये हमारा जो है प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको फिर से क्लिक करना है, नेक्स्ट एंड स्टार्ट। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो है स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन ऐड फंड का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना है वेब मनी को। वेब मनी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना अमाउंट डालना है कि आप वेब मनी से कितना डॉलर जो है निकालना चाहते हैं। तो मेरे वेब मनी के अंदर जो है अभी के समय पर $6 है, तो मैं $6 डाल लेता हूँ। और पहले भी मैंने वेब मनी से जो है $31 जो है विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है सिंपली कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। और जस्ट आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट रिक्वेस्ट। तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जस्ट आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, आपका जो है रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभार 2 से 3 मिनट में भी हो जाता है। तो अभी के समय पर आप लोग जो है टाइम देख सकते हैं कि अभी जो है हो रहा है 5:26। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये जो है हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है, मैचिंग हो रहा है कि कौन सा जो है कैंडिडेट आपका जो है विड्रॉ को सक्सेसफुल करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो है इस मेथड को जो है रात के समय ट्राई करना है, 4 बजे 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद जो है
इसका जो है रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी से लग जाता है, नहीं तो अगर आप सुबह के टाइम पर करेंगे तो वहाँ पर जो है 24 से 48 घंटे का समय लगता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मात्र एक मिनट में जो है हमें मिल चुका है एक पीर जो कि हमारे पेमेंट को जो है सक्सेसफुल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको जो है जिस भी कैंडिडेट के साथ आप अपना अमाउंट शेयर करेंगे, सबसे पहले आपको जो है रेटिंग जांच लेना है। रेटिंग यहाँ पर आपको ऊपर साइड में देखने को मिल जाएगा। रेटिंग जो है हमेशा 4 से ऊपर का रहना चाहिए। उसके बाद आपको करके अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो है WMZ अकाउंट को जो है कॉपी कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको जो है वेब मनी को ओपन करना है। यहाँ पर आपको वेब मनी ओपन करके भी दिखाऊंगा, उससे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक चैट का ऑप्शन, यानी इस चैट के माध्यम से आप उस बंदे से जो है बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ हाय ब्रो, वो जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे अपने बारे में। तो यहाँ पर मैं हाय ब्रो ब्रदर सेंड कर दिया हूँ एंड यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो उनका जो है WMZ अकाउंट हमारे पास आ चुका है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, अपने वेब मनी से जो है WMZ अकाउंट पर, उनके WMZ अकाउंट पर जो है $6 ट्रांसफ़र करने हैं और $6 का हमें जो है $4.21 मिलेगा जो कि आप लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया अपना वेब मनी अकाउंट को जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, हमारा वेब मनी अकाउंट ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे वेब मनी अकाउंट के अंदर जो है अभी के समय पर $6.66 है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जस्ट आप ट्रांसफर पर ऊपर में आपको 2% का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसी पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो है सिंपली उस बंदे का जो है WMZ अकाउंट को डाल देना है जो आप WMZ अकाउंट को कॉपी किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है कि आप कितना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं $6 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिटेल्स दे रहा है, तो इसमें आप जो है मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हाय ब्रदर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं इस पेमेंट से रिकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद आपको जो है सिंपली ओके पर क्लिक कर देना और जस्ट आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपका पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको एक बार फिर से ओके पर क्लिक जो है करना पड़ेगा। ये हमारा जो है पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारा पेमेंट जो है कट चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको जो है फिर से जाना है अपने ब्राउजर वाले ऑप्शन पर, यानी अपने ATM के अकाउंट पर जहाँ पर थे, उसके बाद आपको जो है फिर से एक बार रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है रिफ्रेश कर चुके हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक जो है हमारा डॉलर जो है हमारे ATM के अकाउंट में ऐड नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 से 3 मिनट समय लगता है और आपके ATM में जो है डॉलर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं या तो आप इस बंदे से जो है चैट पर बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा चैट में बात कर लेते हैं कि अभी तक जो है भाई ने हमारे डॉलर को जो है क्यों हमारे ATM में ट्रांसफ़र नहीं किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तुरंत जो है हमारा ATM में जो है $4.21 जो है आ चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से अपने बैंक में लेने के लिए छोटा सा प्रोसेस है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे तो आपको जो है होम पेज पर आ जाना है 3 लाइन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन विड्रॉल फंड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जो है पेटीएम में अपना अमाउंट चाहिए। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपना डॉलर डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास है 4.21, तो यहाँ पर मैं 4.21 डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो है $4.21 का जो है $301 हमारे अकाउंट में मिल जाएगा। तो अब आपको करना है, यहाँ पर आपको जो है फिर से कन्फर्म पर क्लिक करना है, अपना अमाउंट डालकर कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, उसी प्रकार से सेम टू सेम। तो सबमिट रिक्वेस्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं। जस्ट हम सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा जो है रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग जो है वेट कर लेते हैं। ये हमारा जो है सब रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुका है। तो ये जो है पीर मैचिंग हो रहा है कि कौन सा बंदा जो है हमारे अकाउंट में INR अकाउंट में जो है हमारे डॉलर को ट्रांसफ़र करेगा। इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 1 से 2 मिनट। तो आप लोग जो है वेट कर लीजिएगा, मैं भी वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि हमारा जो है पीर लगा या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है पीर लग चुका है एंड यहाँ पर आपको जो है उस बंदे का जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, नंबर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्फर्म रिसीप। कन्फर्म रिसीप पर आपको जो है तभी क्लिक करना है जब आपको जो है टोटल आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपके अकाउंट में जो है आपका जितना भी अमाउंट है
आ नहीं जाता। उसके बाद ही आपको जो है कंफर्म करना है, क्योंकि एआर एटीएम वालों ने इनके अकाउंट में जो है आपका टोटल डॉलर ट्रांसफ़र कर दिया है और आपका जो है पीर मैचिंग हो चुका है। तो जब तक आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता तब तक जो है आपको कंफर्म नहीं करना है। अगर आप कंफर्म कर देंगे तो एआर एटीएम का जो ऑनर है उन सबको लगेगा कि आपका जो है पेमेंट रिसीव हो चुका है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको जो है कन्फर्म पर तभी क्लिक करना है, कन्फर्म रिसीव पर, जब आपका जो है ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाए। ओके, तो आप लोग जो है यहाँ पर नंबर से बात भी कर सकते हैं उस बंदे से कि हमारा पेमेंट अभी तक भाई आया नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो यहाँ पर मैं पेटीएम के ज़रिए ही उनके पास जो है थोड़ा सा मैसेज कर लेता हूँ। जो भी मैंने आपको प्रोसेस किया है मैंने अपने बैलेंस को लेने के लिए सेम प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको जो है एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ। जो भी मैंने आपको प्रोसेस करके दिखाया है ये प्रोसेस जो है 100% वर्क करता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है वेट कर लेते हैं, हमारा पैसा जो है तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आपको जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है और कन्फर्म रिसीव पर आपको तभी क्लिक करना है जब आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट आ जाए। ओके, तो हम लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका और यहाँ पर मैं आपको जो है पेटीएम के अंदर ले जाकर भी दिखा देता हूँ कि हमारा अमाउंट जो है अभी तक आया या नहीं। डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जो है आया है यानी यूपीआई के जरिए। तो यहाँ पर अब आपको कहना क्या है, अगर आपको अमाउंट जो है सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आ जाता है तब आपको जो है कन्फर्म रिसीव पर क्लिक कर देना है, और अगर आप कन्फर्म रिसीव पर क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी कमीशन रहेगा जो कि उस बंदे को मिलने वाला रहेगा जो कि आपका आपके अमाउंट को जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो यहाँ पर अगर आपका अमाउंट जो है मिल जाता है तो आपको जो है कन्फर्म रिसीव पर जो है क्लिक कर देना है। तो ये रहा आपका जो है पूरा प्रोसेस वेब मनी से INR में कन्वर्ट करके अपने बैलेंस को इंडिया के किसी भी बैंक अकाउंट में लेने का। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है कि कैसे आप लोग वेब मनी के पैसे को इंडिया के किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सर अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।